हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अभी उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है और आंटी आई हुई आज। आंटी से सारे घर की सफाई शफाई करवाई है और बस अभी निकलूँगी, कपड़े चेंज करूँगी अम्मी की तरफ इफ्तारी पर। आकिब आने वाले हैं, आकिब अपने ऑफिस से अभी आ रहे हैं आकिब भी, फिर बस कपड़े चेंज करके निकलते हैं। लेकिन आप कहाँ जा रही है? देखो हमेशा कॉल पर बात करते हुए आते हैं, हमेशा भाई है लोगों का आज तो। अस्सलाम वालेकुम, ओ हो क्या हाल है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है। वाओ, चिकन ब्रेड बन रहे हैं। हाँ, रेडी हो गए वो वैसे नीचे। ये क्या बना रही हो? ओ, सॉस भी इसका बनाया है। डायनामाइट चिकन, डायनामाइट चिकन। नो तुम्हारी, ये तुम्हारी बर्थडे है आज? मेरी बर्थडे है और तुम्हारी तो छाल में। उन्होंने मुझे इफ्तारी की दावत दे दी, चलो कोई नहीं। बताओ बताओ, कोई हेल्प करवानी है? ओ, विंग्स भी बनाए आज भी। लाओ जल्दी से दे दो विंग्स, रखो। कपड़ा जबड़ी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं सारे, इकरा ने इतनी मजे मजे की चीज़ें बनाई है और ये भी हिम्मत लेता हुआ आ गया। मैंने अभी क्या क्यों लेकर आ गया, फिर भी लेकर आ गया। इकरा ने विंग्स रेडी कर लिए अभी और ब्रेड चिकन को दोबारा रखा है, चिकन ब्रेड को। यहाँ जी दस्तरखान लग रहा है, ये है फ्रूट्स, इकरा ने बनाया है डायनामाइट चिकन और वो चिकन स्टिक बहुत ही मज़ेदार सी, समोसे, तरबूज, काफ़ी चीज़ें हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं भाई। बैठो, आके भी आ रहे हैं, पप्पा भी आ रहे हैं। और ये जी ऐसे रखे ना, आज है क्या क्या इधर देखे, एक यहीं से ले लो। काट लो बर्थडे गर्ल को जो है गहने बना रही है मम्मी, दूसरा भी बना दे। चलो जी, थैंक यू, शुक्रिया। करो ना और यहाँ जी देखें, अहमद ने कर दिया एक भंड, कैमरा ब्लर हो गया था और वीडियो बन गई। मैं भी 18 की हुई हूँ। तो भाई साड़ी वगैरह खोल ली, केक भी कट कर लिया है और अब आकिब भी जाने लगे हैं और मैं तो जो है अभी रात तक रहूँगी। आकिब को काम है, आकिब अपने काम से जा रहे हैं और तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा साड़ी बना ली है ना कि देखें अंदर में कितना कुछ बचा ये हाल है। इतना इन्होंने चिकन ब्रेड भी ज़्यादा बना ली, विंग्स भी, डायनामाइट्स भी, समोसे भी पड़े हुए हैं, स्टिक भी, तरबूज भी। और मैंने लोगों को सख्ती से कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और खाने को तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि करना ही नहीं, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, गुंजाइश ही नहीं होती है। फिर भी इफ्तारी में इतना कुछ हो गया कि नहीं खाया जाता वाकई में। तो बस क्योंकि आखिर में जाना था जल्दी, तो इसलिए मैंने खाने का भी मना किया था लोगों को। फिर भी इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, पंखे में आवाज़ नहीं आती। फिर भी इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एवरी सो यम्मी, सो डिलीशियस।
ईयर्स एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आती हूँ रात को, सही है? या तो खुद आ जाऊँगी या फिर बुला लूँगी, जैसा भी होगा। ये दोस्तों के लेके सफर के लिए घर जा रहा है। दिखाओ जरा, ये तुम दोस्तों के लिए कितना भर के लेकर जा रहे हो। है मुफ्त का माल है, फ्री का माल आ रहा है क्या? है फ्री का माल आ रहा है तुम दादे दुहाई में जा रहे हो। हाँ भाई, तो अभी मैं जा रही हूँ इकरा के साथ। इकरा को कुछ काम है तो मैंने कहा चलो अबाया पहन लेती हूँ इकरा का, क्योंकि मैं तो पैंट पहनी हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर रोड पर जाना अच्छा नहीं लगता अभी फिलहाल। तो आके तो चले गए, अब ये पाया पहन कर। तुमने पाया पहन रही हो ना? पहनो फिर चलो। जाना क्या करने है तुमने वैसे? क्या क्या काम है? अलमारी का पूछने जाना है। अच्छा हाँ, ये अलमारी ना मैचिंग की होती है ना कुछ है, और ये फिर टूट भी पूरी गई है नीचे से भी शिफ्टिंग में, तो जो बची बची थी वो भी नीचे से मतलब टूट गई। ये अलमारी को देख कर जो है ना, इसके साथ की वाइट है ना या पिंक कलर में? वाइट, वाइट कलर की ले लेंगे, ये मालूम करने जा रहे हैं। क्या हुआ, हो गई ना, डन हो गई? हो गई डन भाई। तो फिर अब आपने 2000 रुपए लाइट के बोले थे, वो माइनस भी कर दें। वो अभी घर आए हैं, थका दिया इकरा ने, भूख लग रही है। मैंने खाया नहीं, अब केक खाऊंगी। अब चीजें खाओ, सारी ऐसी रखी हुई थी ये सारी। मम्मी फायदा भी नहीं। चलें जी चलते हैं, आकिब नीचे आ गए। ओके अल्लाह हाफिज। आकिब आ गए। अभी जी आ गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और मेरे जो है ना नेक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा, जो आकिब के साथ हो गया था। पता नहीं क्या हो जाता है, मोच आ जाती है, क्या हो जाता है सोते वक्त ना, तो बहुत बुरा आ रहा है ना। मुझसे गर्दन इस तरफ मूव हो रही है ना इस तरफ मूव हो रही है, बहुत शदीद पेन हो रहा है। और आकिब यहाँ से उतर के कुछ लेने के लिए गए हैं अपने लिए, सिपाही वगैरह ले ली। ओके तो बस अभी जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए। और आज मेरे बहुत सर में भी दर्द हो रहा है, शायद इसकी वजह से ना सर में भी दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस दर्द की वजह से ना मुझे बुखार भी चढ़े। बहुत ही गंदा दर्द होता है यहाँ के, और इतना गंदा दर्द हो रहा है कसम से, जो तुम बता रहे थे ना मुझे, अब फील है कि क्यों हो रहा है ये, पता नहीं, इतना समझ नहीं आ रहा है इसका क्या बंदोबस्त करूँ। कुछ आप लोगों को पता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, कुछ बताइएगा कि ये कैसे ठीक होगा, कोई टोटका वोटका है? तो गाइस टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि आकिब मुझे लेने के लिए 2 बजे आए, और फिर जाते 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 वही 2:30 बज गए थे। और हमने कहा चलो अब आज हाईवे चलते हैं सैरी करने के लिए, वहीं से कुछ खा लेंगे क्यों भाई। और अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? यहाँ जी टाइम हो रहा है समझ लें 4:45। तो बस अभी हम ऑन द वे हैं हाईवे पर, और अभी कुछ देखते हैं कहीं भी होटल से गाड़ी में बैठ के खा लेंगे वहीं से ही जहाँ एक होटल है। और चाय भी नहीं पी आज पूरा दिन, तो बस आज चाय की भी बहुत ज़्यादा तलब हो रही है। तो अब मैंने कहा क्या चाय पियेंगे, सहरी का टाइम हो रहा है, सहरी करके चाय पियेंगे, मतलब कुछ खा कर, मतलब सहरी करने के बाद रोजा रखने के बाद चाय पिए। नहीं मतलब खाना अभी खा करना फिर चाय, तो सहरी में चाय पी लेंगे। आ गए और बाहर बैठते हैं। ये क्वेटा दरबार है, बहुत मजे का ये व्यू है यहाँ का। ओह माय गॉड, ऐसा लगता है ये फुल गांव का माहौल है, ऐसा फुल अच्छा। हाँ जी हाँ जी, वाह यार, बिल्कुल विलेज वाले जिन एनवायरनमेंट है। तो गाइस बंद करो। तो गाइस आज हमने मंगवाया है फुल देसी खाना, देसी माहौल में बैठकर आज हमने मंगवाई है माश की दाल पराठी। तो जी मज़ेदार सी ये दाल माश आई है, और ये रोटियां, और मेरा ये पराठा है। वाओ फुल देसी खाना है आज।
तो जी खाते हैं मतलब दाल साथ, काफी टाइम बाद मांस दाल खा रहे हैं। इसके बाद भी कोई पार्टी आ गई, चाय आ गई जी हमारी मज़ेदार सी, और बस चाय पीते हैं इसके बाद जाते हैं घर। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। सो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और थैंक्स फॉर विशेस, सबने बहुत अच्छा अच्छा विश किया है मुझे बर्थडे के लिए, थैंक यू फॉर एवरीवन। तो अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।